नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूँ अमृता और आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर वो है कैनाल सिस्टम, और इसके साथ ही हम बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर जो है फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम, और फाइनली हम आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो क्योंकि आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आप सभी के सामने ही आने वाली है, और जिस तरीके से आपके पास टीजीटी के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपके पास सिलेबस कम्प्लीशन के लिए टाइम नहीं था, तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड प्रीवियसली। तो यहाँ पर भी बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे, सिलेबस को हम अभी से कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे ही आपकी वैकेंसी आएगी और बिल्कुल पास आएंगे आप एग्जामिनेशन के डेट के, तब हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर का और प्रैक्टिस सेट का एक सेट लेकर आएंगे, जहाँ पर आप वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने टीजीटी के केस में भी यही किया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, और वहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपने हमारे प्रैक्टिस सेट में से अपने एग्जाम्स में देखे थे। तो उम्मीद तो यही है हमारी कि टीजीटी का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर टाइम बहुत कम बचता है तो देयर इज़ अ मीडियम ऑफ क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। तो चलिए आज के पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए भी और हम सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो फाइलम है वो है पोरीफेरा, और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ठीक है। कैनाल सिस्टम के बारे में आपको पता ही होगा, कैनाल सिस्टम जो फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर होता है पोरीफेरेंस का या स्पॉन्जेस का, तो उसके अंदर वाटर का जो करंट होता है किस तरीके से अंदर आता है, ठीक है, और बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर स्केलेटन सिस्टम जो होता है उनके अंदर किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पोरीफेरल फाइलम्स के बारे में। तो फॉर्म और जो फंक्शन होता है, तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो तीन टाइप की जो होती हैं बेसिकली, ठीक है, वैसे तो चार टाइप की होती है, रैगन भी होती है, तो रैगन काफ़ी टिपिकल है, तो हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो इजी टाइप की जो है उन्हें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, तो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस होते हैं उनके अंदर तीन टाइप की जो कैनाल सिस्टम है वो पाई जाती है। कौन सी? सबसे पहला है आपका एस्कोनॉइड, दूसरा है आपका साइकोनॉइड, और तीसरा है आपका ल्यूकेनॉइड। तो तीन टाइप का कैनाल सिस्टम आप बेसिकली स्पॉन्जेस के अंदर या पोरीफेरेंस के अंदर देखते हैं। सबसे पहला आपका एस्कोनॉइड, जो जिसे आप फ्लैजिलेटेड स्पॉन्जोसील्स भी कहते हैं। फ्लैजिलेटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं जिन्हें क्वानोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। क्वानोसाइट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप होता है, फ्लास्क शेप्ड सेल्स होती है और इनके टिप पे बिल्कुल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है फ्लैजिलेटेड स्पंजोसील। स्पंजोसील मतलब होता है ये जो स्पंज के अंदर आप कैविटी देख रहे हो ना, इसी कैविटी को स्पंजोसील कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए बेसिक फीचर्स के बारे में जानते हैं, ज़्यादा इस पर डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट देखिए अगर आपको पढ़ना हो तो एस्कोनॉइड काफ़ी बड़ा है, आप दो तीन पेजेस में भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें जिनके थ्रू आप क्लियरली समझ पाए कि व्हाट इज़ एस्कोनॉइड कैविटी, तो इन चीज़ों एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम, तो उसमें आपको दो तीन पॉइंट्स ही पढ़ने होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एस्कोनॉइड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछे जा सकते, हाँ ये पूछा जा सकता है कि स्पॉन्ज के अंदर किस टाइप की जो कैनाल सिस्टम है वो पाई जाती है, ठीक है, तो इस पर बेसिकली आपको फोकस रखना है, ठीक है। तो देखिए एस्कोनॉइड जो कैनाल सिस्टम होता है उसमें तीन बेसिक फीचर्स हैं जो आपको नज़र आएंगे। पहला कि एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, और ट्यूब शेप्ड इनकी जो बॉडी है वो नज़र आती है इस टाइप की, ठीक है। दूसरी चीज़, वाटर एंटर करता है यहाँ पे ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है, और डिपॉजिट होता है स्पॉन्जोसील के अंदर। स्पॉन्जोसील क्या होते हैं? एक लार्ज कैविटी जो कि क्वानोसाइट सेल्स के द्वारा लाइंड होती है इंटरनली। ये जो आप यहाँ पे सेल्स देख रहे हो ना येलो कलर की छोटी छोटी फ्लास्क शेप्ड, इन्हें ही क्वानोसाइटिक सेल्स कहा जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वाटर इन चैम्बर्स के थ्रू ये जो आप ओपनिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, इसे ऑस्टिया कहा जाता है। यहाँ छोटे छोटे आप छेद देख रहे हैं ना, इन्हें कहा जाता है ऑस्टिया, ठीक है। और इन होल्स के थ्रू, इन ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर करंट है वो अंदर डिपॉजिट होता है, ठीक है, इस कैविटी के अंदर, जिसे कहा जाता है स्पंजोसील। यही जो लार्ज कैविटी होती है ये इंटरनली इसके बिल्कुल अंदर ऑरेंज कलर की आपको नज़र आएंगी सेल्स, ठीक है, इन्हें क्वानोसाइट सेल्स कहा जाता है।
ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अंदर कौन सी सेल पाई जा रही है, ठीक है ना। इस पर भी आप बेसिकली फोकस कीजिएगा, और ये किस टाइप के अंदर पाई जा रही है, किस स्पॉन्जेस के अंदर, ये हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है कि फ्लाजला जो होता है एक्वानोसाइटिक सेल का, ये पानी जो वाटर का करंट होता है ना, इसको ऑस्कुलम के थ्रू बाहर एक्सपेल करता है, बाहर की तरफ सेंड करता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर है वो अंदर एंटर किया, और ये जो फ्लाजला होता है एक्वानोसाइटिक सेल्स का, ये अपने फ्लाजला के थ्रू उस पानी को बाहर ऑस्कुलम, ये ऑस्कुलम है, ठीक है, ओपनिंग। तो लार्जर ओपनिंग को हम ऑस्कुलम कहते हैं, तो ये फ्लाजला इस वाटर को बाहर की तरफ एक्सपेल करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एस्कनॉइड कैविटी का, जिसे फ्लाजिलेटेड स्पंजोसील भी नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देख लेते हैं। तो देखिए सॉरी, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, पहला है ऑस्कुलम, जो कि ओपनिंग है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। ऑस्कुलम के जस्ट नीचे डर्मल ऑस्टिया होता है। डर्मल ऑस्टिया मतलब डर्मिस, यानी इनकी जो आउटर लेयर्स होती हैं, ये तीन लेयर्स होती हैं, इन्हीं के अंदर आपको छोटा सा होल नज़र आएगा, जिसे डर्मल ऑस्टिया कहा जाता है। क्वेरोसाइटिक सेल्स जो होती है, क्वेरोसाइट्स, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, फ्लाजिलेटेड सेल्स, ठीक है। स्पंजोसील कैविटी होती है स्पंजेस के अंदर, ठीक है। पिनाकोडर्म होती है आउटर लेयर, जो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तो बेसिकली नहीं कहा जाएगा, आउटर जो लेयर होती है उनके ऊपर पिनाकोडर्म जो होती है वो सेल्स पाई जाती है, ठीक है। बीच की जो कैविटी, बीच की जो लेयर होती है उसे मेसेनचाइम कहा जाता है, और अंतर की जो लेयर होती है जहाँ पे क्वेनोसाइट सेल्स पाए जाते हैं उन्हें क्वेनोडर्म कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आप ऑस्टिया देख रहे हैं, इसके अंदर वाटर एंटर करता है थ्रू डर्मल ऑस्टिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब सेकेंड टाइप की जो कैनाल सिस्टम होती है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड टाइप का जो आपको कैनाल सिस्टम यहाँ पे नज़र आएगा वो होता है आपका साइकेनॉइड, ठीक है, जिसे फ्लाजिलेटेड कैनाल भी कहा जाता है। तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, उसके बाद हम इन चीज़ों को काफ़ी डीप में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब आपने देखा एस्कनॉइड कैविटी, वो थोड़ा सा सिंपल था। अब इसको थोड़ा सा और इनफोल्डिंग कर दिया जाए इनके आउटर लेयर पे, तो ये आपका बन जाता है साइकेनॉइड, ठीक है। एस्कनॉइड सबसे ज़्यादा सिंपलर था, फिर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साइकेनॉइड, फिर इससे और ज़्यादा ल्यूकेनॉइड, मतलब धीरे धीरे आपकी जो कैनाल सिस्टम है वो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको देख लीजिए। ऑस्कुलम, ऑस्कुलम क्या होता है, स्पंजोसील की जो कैविटी होती है, इसके पानी को बाहर भेजने का एक बड़ा सा अपर्चर होता है, जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आपका डर्मल ऑस्टिया, तो डर्मल मतलब तीन जो लेयर्स होते हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे होल्स नज़र आते हैं, जिन्हें डर्मल ऑस्टिया कहा जाता है, जो हमने अभी देखा, ठीक है। प्रोसोपाइल क्या होते हैं, छोटे छोटे जानवर से यहाँ पे आपको नजर आएंगे। क्वेनोसाइट सेल्स के बारे में बिल्कुल हमने अभी डिस्कस किया। रेडियल कैनाल जो होते हैं, इनकी इनफोल्डिंग्स के अंदर छोटे छोटे कैनाल सिस्टम नज़र आती है, उसे आप रेडियल कैनाल कहेंगे, ठीक है। एपोपाइल जो होता है वो ओपनिंग होती है इन कैनाल्स के थ्रू, ठीक है। इनकरेंट कैनाल मतलब उस कैनाल, वो कैनाल जिसके थ्रू पानी अंदर एंटर कर रहा है इन रेडियल कैनाल्स के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने देख लिया। चलिए फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो साइकेनॉइड जो कैविटी होती है, साइकेनॉइड जो कैनाल सिस्टम होता है, इसका सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि साइकेनॉइड स्पॉन्जेस जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में, ठीक है, ट्यूब शेप्ड स्पॉन्जेस होते हैं। दूसरा फीचर कि एस्कनॉइड स्पॉन्जेस जो होते हैं, इनके अंदर जब सिंपल क्वानोडर्म्स जो होते हैं वो साइकेनॉइड सेल्स के थ्रू अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और इनके फोल्डिंग के कारण छोटी छोटी कैनाल्स बन जाती हैं, जिन्हें रेडियल कैनाल्स नाम दिया जाता है, ठीक है। सिंपल सा था, एस्कोराइड स्पॉन्जेस जो होते हैं, इनकी क्वानोडर्म जो होती है वो कुछ इस तरीके से इनफोल्डिंग करती है कि इनके अंदर छोटी छोटी रेडियल कैनाल्स बन जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यही तो थी आपकी क्वानोडर्म, ठीक है। तो क्वानोडर्म आपकी कुछ इस तरीके से इनफोल्डिंग करती है कि इसके अंदर छोटी छोटी कैनाल्स बन जाती है, जिन्हें रेडियल कैनाल कहा जाता है, ठीक। तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है कि पानी जो है ऑस्टिया है उसके थ्रू एंटर करता है, और जो अंदर का जो वाटर है, ठीक है, वो इनकरेंट कैनाल के अंदर, जैसी जो इनकरेंट कैनाल है उसके अंदर जब एंटर करता है, तो रेडियल कैनाल क्या है, क्या करती है, रेडियल कैनाल के थ्रू जो वाटर है वो बाहर ऑस्कुलम के थ्रू एंटर करता है,
सॉरी एक्सपेल होता है, ठीक है, एंटर नहीं करता, एक्सपेल होता है। एंटर तो करेगा आपका केनाल्स के थ्रू, इनकरेंट केनाल्स के थ्रू। देखिए ये आपके छोटे छोटे ऑस्टिया, इनके थ्रू वाटर एंटर करता है और इन छोटे छोटे रेडियल कैनाल्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब इन रेडियल कैनाल्स के अंदर क्वेनोसाइटिक सेल्स होती हैं जो वाटर को फिल्टर करती हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है इसको अब्जॉर्व करती हैं, और उसके बाद ये वाटर इस बड़ी सी स्पंजोसील कैविटी में सेंड कर देते हैं, ठीक है, और ये बाहर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो फिल्टर वाटर होता है ना, ये स्पंजोसील के अंदर जाता तो है लेकिन वो अपना न्यूट्रिशन ले लेने के बाद, जो कि हमने अभी आपसे डिस्कस किया, ठीक है। बेसिकली इन कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है वो आगे चल कर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर था जो आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, अगला आपका ल्यूकोनॉइड। तो ल्यूकोनॉइड में आप देखेंगे थोड़ा सा इमेज यहाँ पे आपको कट नज़र आएगा क्योंकि यहाँ का पोर्शन आपको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे बस आप एक हेडिंग देखेंगे जो था ल्यूकोनॉइड, ठीक है, तो इतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहला देखिए जो फीचर है, पहले देख लीजिए ल्यूकोनॉइड कैविटी दिखती कैसी है, ठीक है, क्योंकि इमेज जो होती है ना आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाती है इमेजेस को देख करके। पहली चीज़ ये कि जो कैनाल सिस्टम होता है सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की जो होती है उसे ल्यूकोनॉइड या ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम कहा जाता है, और स्पॉन्जिला के अंदर ये जो कैनाल सिस्टम है वो पाई जाती है, हाईली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सबसे सिंपल क्या था, एस्कॉन था, फिर ल्यूकॉन था, और सबसे टफेस्ट या कॉम्प्लेक्स जो है वो है ल्यूकॉन टाइप, ठीक है। सबसे अगर आप एक चार्ट के रूप में देखें तो सबसे सिंपल एस्कॉन, फिर साइकोन, और लास्ट में आपका ल्यूकॉन आता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि रेडियल कैनाल जो होती है यहाँ पे उस पर आपने साइकॉन के अंदर देखा था छोटी छोटी रेडियल कैनाल्स पाई जा रही थी, ठीक है, कहाँ पे, तीन डर्मल लेयर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर न्यूमरस अमाउंट ऑफ जो एनकरेंट इनकरेंट कैनाल्स जो है वो नज़र आती है, ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे चींटियों का घर होता है ना, सेम टू सेम आपको यहाँ पे उसी टाइप का प्रोजेक्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको एक बार ही देख लें। ऑस्कुलम जो हमने अभी डिस्कस किया, आउटर ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, डर्मल ऑस्टिया मतलब जो बाहर की जो लेयर होती है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें डर्मल ऑस्टिया कहा जाता है। इनकरेंट कैनाल वो कैनाल जिसके थ्रू पानी अंदर एंटर करता है, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। प्रोसोपाइल हमने कहा था कनेक्शंस और या ओपनिंग्स जो होती हैं जो कैनाल के वाटर को मूवमेंट में हेल्प करती हैं। फ्लाजिलेटेड चैम्बर्स मतलब वो चैम्बर जिनके अंदर क्वानोसाइट सेल पाई जा रही थी, ठीक है। एक्सकरेंट कैनाल जहाँ से पानी बाहर बॉडी के स्पंजोसील के बाहर या स्पंजोसील के अंदर एंटर करता है, ठीक है। एपोपाइल कनेक्शंस और इनग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया मतलब पानी डर्मल ऑस्टिया से अंदर एंटर कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। चलिए फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो फीचर आपको नज़र आएगा कि ल्यूकोनॉइड स्पॉन्जेस जो होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं साइजेस में, ठीक है, और इनके अंदर कई सारे ऑस्कुला होते हैं, सिर्फ एक ऑस्कुलम नहीं होता, कई सारे ऑस्कुलम होते हैं, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर, वाटर एंटर करता है ऑस्ट्रिया के थ्रू, ठीक है, और जब इन करेंट कैनाल के अंदर ये मूव करता है तो फ्लाजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर ये धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ से पानी इन करेंट कैनाल के थ्रू अंदर किया, अंदर मूवमेंट किया, फिर इस छोटे छोटे चैम्बर्स के अंदर आया, उसके बाद यही चैम्बर्स क्या करते हैं एक दूसरे को सेंड करते हैं वाटर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो फ्लाजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं वाटर को अपनी आसपास की कैनाल्स में सेंड करते हैं जहाँ पे कई सारे ऑस्कुला होते हैं जो कि पानी को बाहर इस कैविटी के अंदर एक्सपेल करते हैं। और एक चीज़ आपको नोटिस करना होगा कि यहाँ पे जो स्पंजोसील होती है वो इतनी छोटी होती है कि आप इसको करीबन ना या ना के बराबर या फिर नेग्लिजिबल ही माने, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि एस्कॉन में क्या था, एस्कोनॉइड जो कैनाल सिस्टम थी उसमें बहुत बड़ा सा स्पंजोसील था, फिर यही थोड़ी सी रिड्यूस हो गई साइकॉन में, और ल्यूकॉन में ना के बराबर है, और तो आप इसको बेसिकली ऐसे भी मान सकते हैं कि स्पंजोसील इसमें एबसेंट ही होती है, ठीक है। तो एक सिंपल सा जो रिप्रेजेंटेशन था कैनाल सिस्टम का वो हमने देखा, ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं। तो दो टाइप के सेल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कैनाल सिस्टम के अंदर। पहला है पिनाकोसाइट्स या पिनाकोडोम, पिनाकोडोम लेयर के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उन्हें पिनाकोसाइट्स कहा जाता है। दूसरा है क्वानोसाइटिक सेल्स, ठीक है, या क्वानोसाइट्स।
तो क्वेनोसाइट सेल जो होती है वो कैनाल्स के अंदर पाई जाती है, और पिनाकोसाइट ये जो सेल होती है ये आउटर लेयर पे अरेंज होती है। ठीक है, पिनाकोसाइट सेल्स थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं और कवर करती हैं एक्सटीरियर सरफेस को, और कई कई बार इंटरनल सरफेस को भी कवर करती हैं। लेकिन जो कैनाल सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम, जिसमें रेडियल कैनाल सिस्टम आता है या स्पंजोसील कैविटी होती है, उनको कवर करने के लिए जो सेल होती है उसे क्वानोसाइट सेल कहा जाता है। फ्लास्क शेप्ड होती है, फ्लाजिलेटेड होती है, जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, पिनाकोसाइट सेल के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल मायोसाइट्स होती हैं, जो कि पिनाकोसाइटिक सेल्स में मॉडिफाई होती हैं, और ये यूजुअली सर्कल्स के रूप में प्रेजेंट होती है ऑस्टिया के पास। ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं वाटर के मूवमेंट में। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट वाटर के मूवमेंट मतलब कि वाटर का मूवमेंट तो क्वानोसाइटिक सेल्स गवर्न करती हैं, लेकिन जो ओपनिंग्स होती है ना, जहाँ पे जैसे आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो पिनाकोसाइट्स होंगी। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, क्वानोसाइटिक सेल्स जो पानी को बाहर एक्सपेल करती है, लेकिन यहाँ पे पिनाकोसाइटिक सेल्स का फंक्शन होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली पिनाकोसाइटिक जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने में, स्केलेटल बनाने में, जो स्पंजोसील का कैविटी, सॉरी, जो स्पॉन्जेस का जो एंडोस्केलेटन होता है उसकी फॉर्मेशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, स्पिक्यूज का रोल होता है। कई बार एक टर्म आता है आपके सामने ना कि स्पॉन्जेस का जो एंडोस्केलेटन होता है या एग्जोस्केलेटन होता है तो किसका बना होता है। ठीक है, तो कई सारे साइंटिस्ट जो थे इन्होंने माना कि जो इनकी कैविटी होती है, ठीक है, इसके अलावा जो इनकी एक कंप्लीट बॉडी है, इन स्पॉन्जेस के अंदर जो इनकी कंप्लीट बॉडी है वो स्पिक्यूल्स के द्वारा बनी हुई होती है, और जो स्पिक्यूल्स होते हैं और जो स्पॉन्जेस होते हैं इनकी बॉडी से एक स्पेशल टाइप का एक केमिकल रिलीज होता है जिसके थ्रू इनकी बॉडी का जो एग्जोस्केलेटन है वो बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम के अंदर देखिए, कैनाल सिस्टम हमने तीन टाइप्स की पढ़ी, इनका फंक्शन क्या होता है। तो इनका फंक्शन होता है, देखिए, पहला न्यूट्रिशन का जो मीडियम है वो यही तीन यही कैनाल्स होती हैं, ये होती हैं। मतलब जब वाटर एंटर करता है स्पॉन्जेस के अंदर तो उनमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होता है ना वो स्पॉन्जेस की जो कैविटी होती है वो उसके द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है। ठीक है, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा एक्सक्रीशन और चौथा होता है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपने चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे कैनाल सिस्टम के। ठीक है, देखिए जो करंट हो जो वाटर करंट होता है वो कैनाल सिस्टम के अंदर एंटर करता है, जो कि फूड, ऑक्सीजन और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करने में मदद करता है। ठीक है, मतलब फूड ऑक्सीजन तो जो स्पॉन्जेस होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देते हैं, और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट और फीसेस होता है इनको एक्सपेल कर देता है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन का भी काम किया, एब्जॉर्प्शन का काम कैसे किया कि फूड और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, इसके अलावा जो स्पर्म होते हैं एक स्पॉन्ज के द्वारा दूसरे स्पॉन्ज तक पहुँचाए जाते हैं, तो इनमें फर्टिलाइजेशन जो ऑफ ओवा होता है ना वो इसी कैविटी के थ्रू होता है, इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, ये कैनाल सिस्टम इंक्रीज करती है इनका सरफेस एरिया जब ये स्पॉन्जेस के कांटेक्ट में आती हैं जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए जो स्पॉन्जेस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं इनके वॉल्यूम में, इनके सरफेस वॉल्यूम में, और जो रेशियो होती है वो लगभग फिक्स्ड ही होती है। सरफेस एरिया अगर वो बढ़ाते हैं तो इसका मतलब जो लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है। तो वही है कि सरफेस जो वॉल्यूम है वो होता है वो लगभग सिमिलर ही होता है रेशियो में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के दूसरे सेक्शन के ऊपर, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस के अंदर जो रिप्रोडक्शन देखा जाता है दैट इज़ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कई सारे मोड्स के थ्रू होती है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे वो है आपका रीजेनरेशन, सेकेंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज, थर्ड है आपका बर्डिंग और लास्ट है आपका गेम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, दीज बोथ आर सिमिलर, तो बर्डिंग और गेम्यूल को आप एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीजेनरेशन की। तो रीजेनरेशन जो होती है, पावर ऑफ रीजेनरेशन, ये बहुत ही ज़्यादा रेट में देखने को मिलती है स्पॉन्जेस के अंदर। ठीक है, अगर कोई ऐसा पार्ट है जो स्पॉन्जेस का कट कर अलग हो गया है तो वहाँ पे एक कंप्लीट स्पॉन्ज जो है वहाँ से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, डिवेलप हो जाएगा। तो स्पॉन्जेस के अंदर मैस्करेशन की और स्क्वीजिंग के थ्रू जो फाइन सिल्क क्लॉथ के लाइक एक
उसकी सेल्स होती है ना वो क्लस्टर्स में उससे रिलीज होती है, ठीक है, और जिसके थ्रू जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की, ठीक है। तो रीजनरेशन जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है स्पॉन्जेस के कल्टिवेशन में, ठीक है। जैसे आपको चाहिए आर्टिफिशियल आपको बाथ टब बनाना है, सॉरी बाथ टब नहीं, एक आर्टिफिशियल आपको बीच लाइक अपियरेंस देनी है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि स्पॉन्जेस का थोड़ा सा पार्ट जो है वो सारे जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो थोड़ा सा कट करके उस जगह पे प्रोजेक्ट कर देते हैं और वहाँ आगे चल करके फिर एक कंप्लीट स्पॉन्ज के रूप में डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। अगला देखिए, अगला आपका फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये रिडक्शन बॉडीज़ के थ्रू भी होती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अनयूजुअल मेथड देखा जाता है, कई कई बार फ्रेश वाटर और मैराइन स्पॉन्जेस जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के कारण, यानी उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो छोटे राउंडेड जो पूरा स्पॉन्ज है ना, देखिए कुछ इस प्रकार से पूरा स्पॉन्ज जो है रिड्यूस होकर कुछ इस प्रकार में डिवेलप हो जाता है, ठीक है, टर्न हो जाता है, बदल जाता है। अब ये जो रिडक्शन बॉडीज पूरा देखिए, पूरा स्पॉन्ज इस टाइप की उसकी बॉडी थी, ठीक है, आगे चल करके फेवरेबल कंडीशन ना मिलने के कारण ये इसका इस तरह की फॉर्मेशन में नज़र आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इनकी जो इंटरनल बॉडी है किससे बनी होती है, अमीबोसाइट सेल्स से, ठीक है, और क्योंकि बाहर जो है पिनाकोडर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेयर्स पूरी वही होती हैं, बस बॉडी जो होती है रिड्यूस हो जाती है, इसलिए इसे रिडक्शन बॉडी कहा जाता है, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वैसे ही रिडक्शन बॉडीज आगे चल करके एक बड़े से स्पॉन्जेस के रूप में डेवलप कर जाती हैं, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे रिडक्शन बॉडीज के थ्रू होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बडिंग। तो बडिंग दो टाइप्स की होती है, पहला है एक्सोजीनस और दूसरा है एंडोजीनस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सोजीनस बडिंग के बारे में। तो स्पॉन्ज जो होते हैं एक्सटर्नली उनकी बॉडी पे बड की फॉर्मेशन होती है। बड हमने कई बार एनिमल्स के और प्लांट्स के एनिमल्स के केस में पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपका स्पॉन्ज है और इसकी बॉडी से छोटा सा आउटग्रोथ बाहर आ जाता है, ठीक है, छोटा सा स्पॉन्ज, तो ये आपका बड, ठीक है। आगे चल करके यही जो मेन मदर बॉडी है उससे डिटैच होकर के एक कंप्लीट मैच्योर्ड स्पॉन्ज के रूप में डेवलप करता है। तो ये तो आपका बडिंग है, बहुत सिंपल सा, ये आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। एंडोजीनस बडिंग क्या है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज जिन्हें गेम्यूल्स कहा जाता है यही आपका एंडोजीनस बडिंग कहलाता है, ठीक है, जो कि इंटरनली फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के अंदर और मैराइन स्पॉन्जेस के अंदर देखने को मिलती है। देखिए होता क्या है कि आर्कियोसाइट सेल्स जो होती है ना ग्रुप्स में प्रेजेंट होती है मेसोग्लिया लेयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाती है, मल्टी न्यूक्लियेटेड हो जाती है, ठीक है। अमीबोसाइट सेल्स में फिलहाल एक न्यूक्लियस होता है, आगे चल करके जब ये मल्टी न्यूक्लियेटेड हो जाती हैं इस प्रकार से, तो इनके अंदर प्रोटीन जो है वो फिलअप हो जाता है, ठीक है, और इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो इन्हें आर्कियोसाइट सेल्स के द्वारा लगातार मिलता रहता है। आर्कियोसाइट्स जो सेल्स होती है ना इनको नर्सिंग करने का यानी इनकी केयर करने का काम जो है वो ट्रोफोसाइट सेल्स करती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि अमीबोसाइट सेल्स जो होती है वो एक जो आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं उनको पूरे तरीके से ऐसे ऐसे कवर करके रख लेते हैं, ठीक है, और ये एक हार्ड डबल लेयर्ड शेल जो होती है इनका प्रोडक्शन करती है यहाँ पर। और उसके बाद क्या होता है, ये एक सेल जो होती है स्मॉल आउटलेट के रूप में जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है इसके रूप में डेवलप करता है, ठीक है। देखिए अब आगे चल करके स्क्लेरोब्लास्ट जो होती है ना, कुछ स्क्लेरोब्लास्ट जो होती है स्पीक्यूल्स का प्रोडक्शन करती है। तो स्पीक्यूल्स जो होते हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे उनके आउटग्रोथ, ठीक है, जो कि रेडियली यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती हैं, ठीक। हम स्पॉन्जेस की इंटरनल लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, स्पॉन्जेस की इंटरनल लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपको दो लेयर्स नज़र आती हैं। तो कुछ स्पीक्यूल्स जो होते हैं ना शेल्स के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। कुछ स्पीक्यूल्स जो होते हैं इंटरनल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, धंसे हुए होते हैं, ठीक है। तो मोनोएक्सोन ट्राइएक्सोन इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ, तो आपको ये चीज़ें पहले ही कंप्लीटली प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एम्फीडिस्कस जो होती है ना स्ट्रेट रॉड लाइक थॉर्न यानी कांटे लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इंटरनली इस तरीके से इंटरनल लेयर में एम्बेडेड, ठीक है। यही केमूल आगे चल करके जो अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है, देखिए सेल्स कितने टाइप्स के हैं यहाँ पे, अमीबोसाइट्स स्क्लेरोब्लास्ट और ट्रोफोसाइट्स, ठीक है। ये सभी क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं और उसके बाद जो गेम्यूल होता है उसकी फॉर्मेशन होती है, यानी इंटरनली आप देखेंगे तो इंटरनल लेयर में आपको एम्बिबोसाइट इसका इस तरह एक ग्रुप एक लेयर्स में नज़र आएंगे, इनको कवर करती हैं जो
वो होती हैं स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है। इसके साथ ही ट्रोफोसाइट सेल्स वो सेल्स होती हैं जो इन्हें नर्सिंग का काम करती हैं, इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। गेम्यूल फॉर्मेशन के बाद एक लार्ज नंबर ऑफ जैसे ही लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एक दूसरे के साथ में इकट्ठा हो जाती हैं, तो जैसे ही ऑटम सर्दी का सीजन आता है स्पॉन्जेस जो होते हैं डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। और जो इनके अंदर लेयर होती है वो ये एक दूसरे के जो लेयर्स होती है एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाती है, और ये बॉडी से ऑस्कुलम से निकल करके एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हैचिंग कहा जाता है, जैसे हैन के अंदर हैचिंग का कॉन्सेप्ट है तो वैसे यहाँ पर भी इसे हैचिंग कहा जाता है। तो यहाँ जो आर्कियोसाइट जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रीम आउट यानी बाहर ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपको समझ आई होगी और बहुत ही हेल्पफुल थी आप सभी के लिए। आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है कि स्पॉन्जेस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस मोड्स के द्वारा होती है, ठीक है। तो आपको गेम्यूल फॉर्मेशन याद रखना है, बडिंग, रीजेनरेशन और जितने भी चार पार्ट्स हैं उनको आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो बताई थी, तो वहां से भी एक दो क्वेश्चन आपको एल्टी ग्रेड में देखने को मिलेंगे, और जीगाइसे में भी कई सारे क्वेश्चन आपको आपके क्लासिफिकेशन से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिएगा अमृता को इजाजत, नमस्कार।